उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में ऑटो चालक के पेट में मारी गोली, घायल अवस्था में सारण अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत बनी नाजुक। मामला प्रयागराज के धूमनगंज एरिया का है, जहां जयरामपुर सूबेदारगंज में एक व्यक्ति के पेट में गोली मार दी। घायल व्यक्ति का नाम उमेश पासी, उम्र 26 साल, पिता का नाम मोहन लाल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति का आरोप है कि गोली प्रवेश तिवारी नामक व्यक्ति ने मारी है। वह प्रवेश तिवारी के ऑटो किराए पर चलाता है। प्रवेश तिवारी ने कल उमेश पासी को ट्रांसपोर्ट नगर से कुछ सामान ले जाने के लिए उससे कहा तो उसने जाने में असमर्थता व्यक्त की। इसी बात से नाराज होकर प्रवेश तिवारी ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है तथा अग्रिम जांच में जुट गई। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए प्रयागराज से सोहेल अकरम की रिपोर्ट। आज शाम को भी धूमनगंज के राजरूपपुर में उमेश सरोज को उनके जो ऑटो का स्वामी था, जिसका ऑटो ये चलाते थे प्रवेश तिवारी, ने पेट में गोली मार दी है। इसके पीछे निहायत छोटी सी बात बताई जा रही है कि जो ऑटो का मालिक है प्रवेश तिवारी, इनको कहा था कि कल ट्रांसपोर्ट नगर से कुछ माल ले आके कहीं पे छोड़ना है। इन्होंने बताया कि मैं पहले ही बता रखा था कि मुझे कल नहीं रहना है और रिश्तेदारी में जाना है, और उमेश ने वहाँ जाने में असमर्थता व्यक्त की। इसी बात पर वो नाराज होकर के प्रवेश तिवारी ने इनके पेट में गोली मारी है, जो गंभीर हालत में एसआरएन में इनका इलाज चल रहा है। अभी तो गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।